हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। आईसीएसई बोर्ड ने एक क्राइटेरिया जारी किया है। उस क्राइटेरिया में यह है कि जिन स्टूडेंट्स को 10th बोर्ड्स के मार्क्स में सेटिस्फाइड नहीं है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आज हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि क्या इस कोविड के टाइम में एग्ज़ाम देना सही है या गलत है। यह डिसीज़न आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से ले सकते हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 का जो सेकेंड स्टेज है काफ़ी डेंजरस है। तो आप अपने लाइफ से इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपका आईसीएसई बोर्ड में, सपोज़ कीजिए आपका आईसीएसई बोर्ड में 10th मार्क्स में आपका 65 या 75% आ गया, ठीक है, तो उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आगे आपको। कि पहले होता था कि 10th और 12th का मार्क्स के बेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी कोविड का चल रहा है टाइम। तो यह आपका गलती नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा अभी सिचुएशन को देखते हुए। तो ऐसा नहीं है कि जब आपको आगे प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबको पता है कि 2020 और 2021 में कोविड काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम को वो कैंसिल कर दिया गया था और स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था। ये सबको पता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है आपको अपने मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका आता है 11th। जी हाँ फ्रेंड्स, आप उतना 10th पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है। आपको मार्क्स जितना भी मिले आप उतने में सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि आपको उतना प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाला है। आप जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, बस आपको अब 11th पे फोकस करना है। आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है उस पर आप डिसीजन लीजिए, आप बस 11th पे फोकस कीजिए, क्योंकि 11th और 12th ऐसा स्टेज है जो आपको आगे अपने करियर पे ज़्यादा सक्सेसफुल दिला सकता है। क्लास 10th में अभी आपको कोई उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा बस आपसे बस यही सजेशन है कि आप एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि अभी कोविड काफ़ी डेंजरस हो चुका है सेकेंड स्टेज। तो आप अपना लाइफ सबसे पहले सेव कीजिए। खासकर मैं उन टॉपर्स बच्चों पे कहना चाहूँगी जो अपना मतलब अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके थे 10th का एग्ज़ाम को लेके, और जो अभी जो सिचुएशन हो रहा है उस सिचुएशन को मद्देनज़र देखते हुए गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। तो आप उस वजह से मत रहिए कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, मेरे मार्क्स इतने कम नहीं आ सकते हैं, तो वैसा मत सोचिए। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ और आपके पेरेंट्स की लाइफ और आपके आस पड़ोस के सभी की लाइफ, ठीक है। तो उतना रिस्क मत लीजिए कि एग्ज़ाम देने का। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को सेफ रखिए। तो जिनको भी ये लगता है कि आपको 10th का बोर्ड एग्ज़ाम आपको देना है, तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसके बारे में ना ही सोचिए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा आपका 10th, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने बोला है कि 12th का एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन ये कोई भरोसा नहीं है कि गवर्नमेंट कभी भी कैंसिल करा सकती है 12th का एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट का डिसीजन चेंज हो सकता है। तो उस पर आप भरोसा नहीं कीजिए कि 12th का एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 फैल रहा है उसको मद्देनज़र देखते हुए गवर्नमेंट कभी भी अपना डिसीजन चेंज कर सकती है। तो प्लीज़ आप अपने आप को सेफ रखिए और 10th एग्ज़ाम को देने का डिसीजन को आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप खुद से आप सजेशन नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स या अपने कलीग से भी आप सजेशन ले सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो बस 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं आप अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, 11th स्टार्ट कर दीजिए। 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी कोर्स हैं, उसको आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 10th में तो आपको कैंसिल हो चुका है। तो 11th पे फोकस कीजिए। अगर आप 11th पे फोकस करते हैं तो आपका लाइफ, आपका करियर अच्छे से जाएगा। अगर आप 11th को आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं या डिसीजन लेने में कि 10th का एग्ज़ाम देना है देना है, तो आप अपना लाइफ खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप अपना करियर खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी, आप सजेशन एक बार खुद से आप पूछ लीजिए क्या करना है क्या नहीं। मेरा तो बस यही ओपिनियन है कि एग्ज़ाम आप ना ही दें तो ही अच्छा है, क्योंकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जो भी डिसीजन है आप खुद से लीजिए, अपने पेरेंट्स से सजेशन लीजिए। तब तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।